हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। तो यहाँ बना के रेडी कर रहे हैं हम यमी यमी सा बटर केक। बटर केक बहुत ही आसान तरीके से बन के रेडी हो जाता है। आप घर पर कभी भी अपने बच्चों को बना के इस तरह का बटर केक दे सकते हैं जो टूटी फ्रूटी वाला है। तो यहाँ पर मैंने बटर को ले लिया है। बटर को अच्छे से मैंने दूसरे बर्तन में गरम करके अच्छे से मेल्ट कर लिया है। अब इसमें हम इसको मेल्ट करने के बाद थोड़ा सा इसे चलाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ये अच्छे से मेल्ट नहीं होता है। अब इसमें हम शक्कर ऐड कर देंगे। जितना हम अपनी केक बना रहे हैं उसकी क्वांटिटी के हिसाब से हमें एक बाउल भर के शक्कर लेना है। आप इसका पाउडर फॉर्म भी डाल सकते हैं, जो पाउडर फॉर्म में रहती है शक्कर वह भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एकदम गाढ़ी कट ले ली है। दही दही को ऐड कर लिया है। यहाँ पर कम से कम हम 2 टेबल स्पून मैदा इसमें यूज़ करने वाले हैं, और ज़्यादा क्वांटिटी में हम इसमें सूजी ऐड करने वाले हैं। तो मैंने एक बाउल भर के सूजी ले ली है। 2 चम्मच मैंने इसमें मैदा ऐड किया है। यहाँ सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके, और यहाँ पर फ्रेंड्स मेन बात ये है कि इसमें हम गरम वाला दूध लेंगे, जो हमारे घर में नॉर्मल गरम दूध रहता है वह इसमें लेना है। तो मैंने आधा दूध इसमें डाल दिया है और कुछ बच गया है। इस क्वांटिटी में इसको मिक्स करके हम रख देंगे यहाँ पर 5 मिनट के लिए। इसे अच्छे से सेट होने के लिए छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद इसको फिर से चलाएंगे। अब इसमें हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम वनीला एसेंस का यूज़ कर रहे हैं। अब ये सब चीज़ें डालकर इसके ऊपर हम गर्म दूध डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा अब बबल्स टाइप का बन गया है। अब इसको अच्छे से एक ही टेक्सचर में हम इसे एक ही हाथ की मदद से इसे उसी आकार में चलाएंगे। दूसरा इसका बदलना नहीं है आकार हमें। तो बस ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको किस बर्तन में हमें ट्रांसफ़र करना है उसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके लिए मैंने इसमें बटर पेपर का यूज़ किया है। अब इसको एक थोड़ा सा दबा देंगे और इसके ऊपर थोड़ी टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे। हमारा केक बनने के लिए रेडी है फ्रेंड। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में नमक डालकर गरम करने रख दी थी पहले ही। अब इसमें स्टैंड, आपके पास इस तरह के स्टैंड तो होंगे ही, अब उसमें स्टैंड लगाकर इस तरह से हम अपने केक को बेक होने के लिए रख देंगे। इस तरह से हमारा केक बहुत अच्छे से बेक होता है। आप देख सकते हैं इसका, एक बार मैं इसको निकाल के दिखाऊंगी तो कितना अच्छा से बेक हो गया है। फिर इसको हम वापस से ढककर रख देंगे तो एकदम खिला खिला और हमारा केक बनके रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने घर में ज़रूर बनाकर देखें, केक बहुत आसान तरीके से बन जाता है। अब इसको हम चेक करके देख लेते हैं, अगर इसमें स्पून के फॉक के साथ कुछ दाने आ जाते हैं तो हमारा कच्चा है, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो हमारा ये पक गया है अच्छे से। इसको चारों तरफ से भी निकाल कर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये पूरे अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इस ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हमें इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से पुश करेंगे और ये नीचे आ जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, निकाल कर आसान तरीके से निकल के रेडी हो चुका है। और बटर पेपर को भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पर बटर पेपर के ऊपर भी कुछ भी नहीं लगकर आया है। पूरा केक हमारा यम्मी सा बन के फ्रेंड्स रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो केक की आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप भी इस तरह से केक अपने घर में बना के रेडी करते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से बटर केक बनाकर यम्मी यम्मी ठंडों के गर्मियों के मौसम में केक का एंजॉय करें। बाहर के केक से ज़्यादा अच्छा हम अपने घर पर बनाकर रेडी कर सकते हैं, ये हमें भी पता रहता है। तो बस हम इसको बीचों बीच से कट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसको जो ब्रिटानिया केक आते हैं स्लाइस में, उस स्लाइस में इसको मैं कट कर रेडी कर रही हूँ। तो हमें इसको बीच में से ही कट करना है इस तरह से, और आगे का हिस्सा हम अलग से कट करके रख देंगे और इसके ब्रिटानिया केक वाले पीसेस बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ कि हमारा एकदम दानेदार केक बन के रेडी हो चुका है।
इस तरह से आप ज़रूर बनाकर देखें, अपने बच्चों को आप खिलाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं।